नमस्कार दोस्तों, चैप्टर है अल्कोहल ईथर एपॉक्साइड। बुक का नाम है श्री बालाजी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर निट जी। बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, आज हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 91 से 100 तक। तो दोस्तों, अल्कोहल ईथर एपॉक्साइड बुक श्री बालाजी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर निट एंड जी। दोस्तों, बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। दोस्तों, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91 पर। देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 91 क्या कहता है। दोस्तों, 91 में दोस्तों ये इस तरीके से एक एस्टर दिया हुआ है। दोस्तों ये एस्टर है। एस्टर को रिड्यूस करने का अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है। दोस्तों, पिछले नाइन लेक्चर्स में आप लोगों ने ये सब चीज़ें सीख ली हैं कि कौन किससे रिड्यूस होगा। तो आप पिछले लेक्चर्स देख लीजिए थोड़ा सा, तो आपको आइडिया लग जाएगा। दोस्तों, तो अब ये एस्टर रिड्यूस हो जाएगा दोस्तों, और ये एस्टर इस तरीके से दोस्तों यहाँ CH2OH आ जाएगा दोस्तों, और प्लस इसका दोस्तों C2H5OH बन जाएगा। अब दोस्तों, जब ये रिड्यूसिंग एजेंट था दोस्तों, रिड्यूसिंग एजेंट से आपने रिडक्शन करा दिया और ये अल्कोहल बन गया दोस्तों। उसके बाद आपको इसमें इसको प्रोटेक्ट करना है। और दोस्तों, मैंने पिछले लेक्चर्स में बताया था, अगर आप एलाइल अल्कोहल को करना चाहते हैं रिड्यूस विद द प्रोटेक्शन ऑफ डबल बॉन्ड, इस तरह से कोई काम करना चाहते हो मेरे दोस्तों, तो उसके लिए बेस्ट रिएजेंट है, बेस्ट ऑक्सीडेंट है। कौन है दोस्तों? MnO2 है। आपको पिछले लेक्चर्स में इसके रिगार्डिंग सब चीजें मिल जाएंगी। इस तरीके से दोस्तों क्वेश्चन नंबर 91 हो गया। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 92 पर। देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 92 क्या कहता है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 92 में दोस्तों पीएच है, CH2CH और OH है। दोस्तों ये अल्कोहल है, यहाँ पर दोस्तों CH3 है। तो जो मेटल है, मेटल और अल्कोहल की रिएक्शन, एसिडिटी ऑफ अल्कोहल है दोस्तों, ये एसिडिक स्ट्रेंथ शो करेगा। और अब ये बनेगा PHCH2CHO-CH3, काउंटर बैलेंसिंग के लिए के लिख दो। तो ये बैलेंसिंग काउंटर चार्ज बैलेंसिंग है और कुछ नहीं है, इसके सिवाय कुछ नहीं है दोस्तों। के को लिखो ना लिखो, इसका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये एक बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल हो गया, और अगर ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल हो गया है दोस्तों, तो अगला रिएजेंट जो है वो CH3CH2Br है दोस्तों। ये एलजी है, ये दोस्तों SN2 रिएक्शन होगी, ये न्यूक्लियोफाइल है दोस्तों। ये आकर के इस पर अटैक करेगा, प्राइमरी हैलाइड है तो SN2 तो बनता ही है ना दोस्तों, और बनेगा PH
CH2 CH CH3 O CH2 CH3 Br माइनस निकल जाएगा, 92 भी हो गया दोस्तों। अब मेरे दोस्तों चलते हैं 93 पर। दोस्तों 93 एस्ट्रिफिकेशन है, इसकी मैकेनिज्म भी मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में दे दिया है। ये दोस्तों कार्बोक्सिलिक एसिड है और यहाँ पर दोस्तों CH3 O18H है। दोस्तों ये अल्कोहल है, इस तरीके से रिएक्शन हो जाएगी PHCOO और CH3, ये 18 यहाँ आ जाएगा, प्लस H2O हो जाएगा दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 94 पर, देखते हैं दोस्तों 94 क्या चाहता है। ये जो एस्ट्रिफिकेशन है इसकी मैकेनिज्म भी मैंने बिटवीन द क्वेश्चंस पास्ट लेक्चर में दे दिया है, अब दोस्तों चलते हैं 94 पर। 94 में क्या है दोस्तों, ये ROH है, एल्कोहल का H लिया जाता है। यहां पर दोस्तों OHC डबल बॉन्ड O, ये रिंग है दोस्तों, यहां पर NO2 है, ये दोस्तों कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसका OH लिया जाता है। तो दोस्तों ये एसिड की तरह बिहेव करता है, एस्ट्रिफिकेशन में अल्कोहल का एच लिया जाता है, एसिड की तरह बिहेव करता है, मैकेनिज्म मैं आपको बता चुका हूं। तो दोस्तों इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कहां ज्यादा होगी, CH3OH के लिए सबसे अच्छी होगी एसिडिक स्ट्रेंथ। तो दोस्तों अब ये रिएक्शन करके बनाएगा क्या, CH3 O C डबल बॉन्ड O, इस तरीके से NO2, ये एस्टर ग्रुप बना देगा दोस्तों, एस्टर ग्रुप बना देगा दोस्तों, यानी CH3OH आना है। 95 देखिएगा, 95 में दोस्तों सोल्वोलिसिस, जो सोल्वोलिसिस है, पहली बात ध्यान रखिए हमेशा SN1 होगा, सॉल्वेंट इज न्यूक्लियोफाइल होगी, सॉल्वेंट इज न्यूक्लियोफाइल। एग्जाम्पल पानी है दोस्तों, एग्जाम्पल एल्कोहल है दोस्तों, ROH ये न्यूक्लियोफाइल है मेरे दोस्तों, सॉल्वेंट भी है। एसिड है दोस्तों जैसे CH3 C डबल OH, दोस्तों ये एसिड भी है, न्यूक्लियोफाइल भी है, लोन पेयर रखता है, ये सारे सॉल्वेंट है दोस्तों, सॉल्वेंट हैं, इसीलिए रिएक्शन सोल्वोलिसिस होगी और मेरे दोस्तों हमेशा SN1 होगी, SN1 होगी तो दोस्तों कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट होगा, तो कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट होगा, बस इन सब चीजों को ध्यान रखिए, कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट होगा दोस्तों। तो ऑप्शन ए में क्या कहता है, सोल्वोलिसिस ऑफ दिस इज फास्टर देन, इतने फास्ट है, किसका करवा रहा है सोल्वोलिसिस, तो सोल्वोलिसिस इसका करवा रहा है, ये सोल्वोलिसिस इसका करवा रहा है, तो इसमें ये कार्बोकेटायन बन जाएगा, कार्बोकेटायन बनेगा और कार्बोकेटायन का स्टेबलाइजेशन होगा, रेजोनेंस से स्टेबलाइजेशन होगा, ये बनेगा। तो दोस्तों होना ही है, जब कोई चीज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है तो उसका रेट तो फास्ट होना ही है दोस्तों, इसका मतलब ये ट्रू हो गया। बी पार्ट पर चलते हैं, बी क्या कहता है, ये तो हो गया, बी पर चलते हैं, ये आग पास है, इसको मुझे रब करना पड़ेगा बी करने के लिए मुझे रब करना पड़ेगा दोस्तों। तो चलिए मैं बी करता हूं,
यहां पर दोस्तों CH3 है, CH है, डबल बॉन्ड CH है, CH2 और OH है। इसकी रिएक्शन दोस्तों HBr से कराते हैं, ये मैं पहले भी बहुत बार आपको करा चुका हूं। ये इस पर अटैक कर देता है तो CH3, CH डबल बॉन्ड CH और CH2, यहां पर दोस्तों OH, ये अब आपके पास गुड LG आ जाता है दोस्तों। तो SN1 रिएक्शन हो जाती है CH3, CH डबल बॉन्ड CH और CH2 प्लस H2O बन जाता है दोस्तों। Br माइनस इसका अटैक कहाँ, अगर रेजोनेंस हो गया दोस्तों तो ये भी बन सकता है। अरे देखो ना, ये इधर चला जाएगा तो CH डबल बॉन्ड CH2, ऐसा भी हो सकता है, रूल नंबर 1 लग जाएगा। तो ये भी प्रोडक्ट देगा Br-1 से, क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल है, ये SN1 है, ये SN1 है दोस्तों। तो इसका अटैक यहां कार्बोग्राइन पर, इसका अटैक यहां कार्बोग्राइन पर, यहां पर दोस्तों CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 Br, यहां पर दोस्तों CH3 CH और Br CH डबल बॉन्ड CH2। दोस्तों इस तरीके से B भी हो गया। थोड़ा सा जो है मेरे रूल्स हैं मैकेनिज्म के, थोड़ा बहुत इन्हें ध्यान रखिए, क्वेश्चंस तो होते ही हैं, क्वेश्चंस का मामला नहीं, बट मैकेनिज्म को पकड़ना पड़ेगा। जो मैं रूल्स पढ़ाता हूं इन बिटवीन द क्वेश्चंस, वो देखना पड़ेगा आपको। तो दोस्तों अब चलते हैं आगे, सी पर चलते हैं, सी को देखते हैं कि इसका सी पार्ट क्या कहता है, उस सी को भी जानने समझने की कोशिश करते हैं कि सी पार्ट क्या कहता है, सी को भी जानने समझने की कोशिश करते हैं सी पार्ट क्या कहता है। व्हेन सॉल्यूशन ऑफ 3-butene टू ऑल, दोस्तों CH2 ब्यूटीन टू ऑल, क्या है ये ब्यूटीन टू ऑल, ठीक है। तो यहाँ CH3 कर दो, तो यहाँ पर OH कर दो, 1, 2, 3 ब्यूटीन टू ऑल हो जाएगा। सॉल्यूशन ऑफ ब्यूटीन टू ऑल, सल्फ्यूरिक एसिड दोस्तों, सल्फ्यूरिक एसिड, तो सल्फ्यूरिक एसिड H, भैया H2SO4 टूटेगा, H और HSO4- बनाएगा, तो ये इस पर अटैक कर देगा और अटैक करते ही CH2CH CHOH2, दोस्तों ये बहुत ही अच्छा लीविंग ग्रुप हो जाएगा, OH2 प्लस चार्ज के साथ बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप हो जाएगा, और CH3 लीविंग ग्रुप निकल जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH CH प्लस और CH3 हो जाएगा। अगर रेजोनेंस हो जाता है तो CH2 प्लस CH डबल बॉन्ड CH और CH3 हो जाएगा दोस्तों। अब आगे देखता हूं क्या कहता है। अब सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन है, ये एक्वस सॉल्यूशन है, इसका मतलब पानी है, तो पानी का अटैक करा दो, तो CH2 CH CH OH CH3 बनेगा, CH2 OH CH डबल बॉन्ड CH और CH3 बनेगा दोस्तों। दो प्रोडक्ट आ जाएंगे, सी भी सही है, इसका मतलब इसके सारे ऑप्शंस सही हैं, बट मैकेनिज्म को पकड़ना ही पड़ेगा दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 96 पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96 क्या कहता है मेरे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 96 क्या कहता है दोस्तों, उसको भी देखते हैं। 96 ये दोस्तों कुछ इस तरीके से है, यहां CH2 है, यहां पर OH है,
यहाँ पर दोस्तों CH है, यहाँ पर OH है। अब आगे की कहानी भी है दोस्तों थोड़ी बहुत, यहाँ पर CH2 है, यहाँ CH2 है, यहाँ CH2 है, यहाँ CH2 है, दोस्तों यहाँ पर CH2 है, ऐसा है। देखो ना, ये बिसाइनल डाई ऑल की कंडीशन हो दो गई दोस्तों। तो बिसाइनल डाईऑल एच आई ओ फोर मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से कराया था दोस्तों। अब क्या होगा, सी एच टू है, 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 सी डबल बॉन्ड ओ है, ये बन के तैयार हो गया दोस्तों। अब इसमें आगे क्या डाला जा रहा है, ये कीटोन हो गया दोस्तों। कीटोन को आप बदलना चाहते हैं अल्कोहल में, तो मेरे प्यारे दोस्तों उस कंडीशन में आपको कुछ ऐसा मिल जाएगा, LiAlH4 बेस्ट है दोस्तों। 96 भी हो गया, 96 के बाद चलते हैं दोस्तों 97 पर, देखते हैं 97 क्या कहता है दोस्तों। 97 क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं दोस्तों 97 क्या कहता है। 97 ये दोस्तों CH2 है, डबल बॉन्ड CH है दोस्तों, CH2 है, CH2 है, CH है, OH है। हेयर फ्रेंड्स CH3, फ्रेंड्स SOCl2। इसकी टेक्निक मैंने आपको बताई थी SOCl2 की, OH की जगह पर आप Cl लगा दो। तो दोस्तों इस तरीके से यहाँ पर CHCl है, यहाँ पर दोस्तों CH3 है। अब मेरे दोस्तों इसके बाद यहाँ पर ओजोन लगाया गया, ओजोन ओजोन। तो दोस्तों ओजोन और जिंक रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, ये दोस्तों रिडक्टिव ओजोनोलिसिस ये टूटेगा, टूट जाएगा दोस्तों, और सी एच डबल बॉन्ड ओ, सी एच टू, सी एच टू, सी एच, सी एल और सी एच थ्री है दोस्तों। इसके बाद एन ए बी एच फोर, तो एन ए बी एच फोर दोस्तों रिडक्टेंट है, रिडक्टेंट है, एल्डिहाइड, तो सी एच टू ओ एच, सी एच टू सी एच टू, सी एच सी एल और सी एच थ्री, ये बनकर के तैयार हो जाता है दोस्तों। 98 पर चलते हैं मेरे दोस्तों, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 98 की क्या डिमांड है। क्वेश्चन नंबर 98, क्वेश्चन नंबर 98 में क्या है दोस्तों, आइडोफॉर्म टेस्ट कौन देगा। आइडोफॉर्म टेस्ट के लिए मैंने आपको बताया था ये ग्रुप होना चाहिए, तो ये ग्रुप किस में है दोस्तों, यहाँ पर सी एच थ्री सी एच टू, इस ग्रुप की डिमांड है, ए में है तो ए दे देगा। आइडोफॉर्म टेस्ट करा चुका हूँ, बहुत बार करा चुका हूँ। 99 पर चलते हैं दोस्तों, विच इज रिड्यूसिंग एजेंट, तो LiAlH4 रिड्यूसिंग एजेंट। 100 पर चलते हैं दोस्तों, दोस्तों इसको देखिएगा, ये B2H6 THF और H2O2 OH माइनस, दोस्तों ये एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन है, शॉर्टकट कहते हैं दोस्तों एंटी MKA, मार्कोनिकॉफ का उल्टा कर दो आप,
यहां पर CH2OH, तो ये एंटी मार्कोनिकोफ रूल का उल्टा। दोस्तों B2S6 या फिर BH3 एंटी मार्कोनिकोफ एडिशन देता है। दोस्तों यहां तक मैंने श्री बालाजी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर नीट एंड जी का अल्कोहल ईथर इपॉक्साइड चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 100 तक करवा दिया। दोस्तों थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।